आरसी कपलिंग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। आरसी मतलब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर का कम्बिनेशन हो उसे हम आरसी कपलिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। इसमें हम टू एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज की आरसी कपलिंग की जो फर्स्ट स्टेज की आउटपुट होती है उसे हम नेक्स्ट स्टेज की इनपुट में कपल करते हैं कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज की आउटपुट से हम अपना एम्पलीफायर सिग्नल लेते हैं। इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का यूज़ किया जाता है, इस कैपेसिटर और रेजिस्टर का यूज़ किया जाता है, इसीलिए ही इसे आरसी कपलिंग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोलते हैं। जैसे कि यह है हमारा सबसे पहले हमारा कम्बिनेशन है, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, इसमें हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है। इसमें R1, R2 ये हमारे बायसिंग करते हैं हमारी वोल्टेज को। RC हमारा लोड रेजिस्टर है जो कि हमारे कलेक्टर के साथ कंबाइन है, और RE हमारा एमिटर रेजिस्टर है जो कि हमारे सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। CE हमारा कैपेसिटर है जो कि हमारे एमिटर रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कंबाइन होता है। CIN हमारा इनपुट कैपेसिटर है जो कि हमारे इनपुट पर कंबाइन है, और CC हमारा कपलिंग कैपेसिटर है जो कि हमारे दोनों ट्रांजिस्टर्स के स्टेजेस को जोड़ता है, कपल करता है। जब हम अपनी इनपुट सप्लाई करते हैं तो हमारा VCC जहाँ से हमने करंट फ्लो करवाया है यहाँ से करंट फ्लो करता है, और ये हमारे जो कैपेसिटर्स यूज़ किए होते हैं ये हमारे सर्किट में स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए किए जाते हैं, ताकि हमारे सिग्नल्स पे कुछ डिस्टॉर्शंस ना आए, हमारा लोड इफेक्ट ठीक बना रहे। जब हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो लोड के थ्रू जो हम आउटपुट आती है उस आउटपुट को हम कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू नेक्स्ट स्टेज की इनपुट बना देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आएगी कपलिंग कैपेसिटर जो कि दो सर्किट्स को जोड़ता है, इसमें सिर्फ रेजिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, इसलिए ही इसे RC कपलिंग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर है, और फिर हमारे जो कपलिंग कैपेसिटर है ये हमारे बेस के साथ कंबाइन होता है दूसरे ट्रांजिस्टर के, और फिर हम यहाँ से हम अपने लास्ट से आउटपुट कैरी कर लेते हैं जो कि एक एम्पलीफाइड आउटपुट होती है। और अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है जो हम कर्व ड्रॉ करते हैं वोल्टेज गेन और सिग्नल फ्रीक्वेंसी के बीच, सिग्नल फ्रीक्वेंसी के बीच जो कर्व ड्रॉ होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी जो हम वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमने कर्व ड्रॉ किया, जो हमारा कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक लेते हैं, जिसे मिड फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं। ये हमारा जो रेड कलर की लाइन है ये हमारी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शो करती है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि 50 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे 50 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी होगी, अगर हमारी 50 हर्ट्ज़ से फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो इससे हमारा जो AC आउटपुट होती है उसमें डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं, और हमारे जो आउटपुट है वो AC का कुछ पार्ट लॉस हो जाता है कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू, और लो जो हमारा जो हमारी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आता है, जो हमारा रिएक्टेंस होता है, जो हमारे एमिटर कैपेसिटर होता है, जो हमारे एमिटर रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कंबाइन होता है, जिस जो होता है XC = 1/2 πfc से डिनोट करते हैं, वो प्रॉपरली हमारे AC सिग्नल को शंट नहीं कर पाता, जिस कारण हमारी फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं। और ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि हम इसमें कर रहे हैं 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ये हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी में जो हमारा गेन होता है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, जो हमारा रिएक्टेंस होता है कपलिंग कैपेसिटर का वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा गेन भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज 50 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में ही होती है, जिसे मिड फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं, जो कि एक प्रॉपर है हमारे RC कपल ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांजिस्टर्स के लिए। और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो जाए तो वोल्टेज गेन में ड्रॉप हो जाता है, जिससे हमारा जो रिएक्टेंस होता है यानी जो कपलिंग कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो कम हो जाता है, और एक शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करने लग जाता है,
जिससे लोड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है और वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ही रखते हैं, जो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है। अब हम देखेंगे इसकी एडवांटेजेस। इसकी एडवांटेज ये होती है कि जो आरसी कपल एम्पलीफायर होता है उसकी कॉस्ट लो होती है, ये लेस स्पेस लेता है, इसका साइज स्मॉल होता है क्योंकि इसमें हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, इसका वेट लाइट होता है, हल्का होता है और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा होता है, और जो मिड वेव फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहती है। जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इसका कभी कभी गेन स्मॉल हो जाता है उसके लोड इफेक्ट के कारण, नेक्स्ट स्टेज के लोड इफेक्ट के कारण कभी कभी इसका जो गेन है वो कम हो जाता है। इम्पीडेंस मैच जो होता है वो पुअर होता है, जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है आरसी कपल एम्पलीफायर का वो कुछ ही ओम का होता है, जिससे हमारे जो पावर है वो कम हो जाती है, और जो हमारे रिसिप्टर्स होते हैं वो कभी कभी नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, थोड़े नॉइसी होते हैं, जैसे जैसे हमारा टाइम पास होता है वैसे वैसे उसमें डिस्टॉर्शंस आने लग जाती हैं। और इसकी एप्लीकेशंस, इसका यूज़ हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स के लिए करते हैं, ये एक ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है तो इसलिए हम ऑडियो फिडिलिटी के लिए इसका यूज़ करते हैं, वाइड रेंज फ्रीक्वेंसीज के लिए इसका यूज़ किया जाता है, वोल्टेज एम्पलीफायर्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह है हमारा आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। थैंक यू।